कर हम बताते रहेंगे क्या क्या छुपाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि मणिपुर के एक्टिविस्ट लिचोबेम एरेंड्रो को फेसबुक पर पोस्ट करने के कारण 13 मई को गिरफ्तार किया गया। 17 मई को लोकल कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन तभी जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगा दिया। एरेंड्रो ने इतना लिखा कि गोबर या गोमूत्र से कोविड का इलाज नहीं होगा। पुलिस आ गई, जेल ले गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एरेंड्रो को तुरंत रिहा किया जाए। आप नागरिक कुछ मत बोले, चुप रहिएगा। केवल व्हाट्सएप में जो वो भेज रहे हैं वही फॉरवर्ड करते रहिए। लोकतंत्र का क्या है, खत्म हो जाए तो होने दीजिए। पहले खुद को जेल जाने से बचाइए, डरे रहिए, मरे रहिए। इस तरह से आपके चुप्पे और आपका डर उस लोकतंत्र को सत्यानाश के करीब ले जाएगी जिसके लिए लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मार चोक दिए भैया जी अब तो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप जनता से क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपके लिए खबर लिखने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी हो? अगर अखबार का दाम देकर पत्रकारों के नाम पर गुलामों की लिखी खबर पढ़नी है तो आप अखबार क्यों खरीद रहे हैं? क्या आप उस पैसे को मंदिर निर्माण के चंदे में नहीं दे सकते? देखा, धर्म की बात की है मैंने। पुण्य मिलेगा, लोकतंत्र का सत्यानाश भी हो जाएगा और मंदिर भी भव्य बनेगा। एक पंथ दो काज, आइडिया अच्छा है या नहीं?